गुलजार और राम भद्राचार्य को इस साल का ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ चयन समिति ने उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान राम भद्राचार्य को 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना है। 98 ज्ञानपीठ की घोषणा हो चुकी है। साल 2023 के लिए यह पुरस्कार दो लोगों को मिल रहा है, मशहूर गीतकार शायर और उर्दू के साहित्यकार गुलजार और तुलसी पीठ के संस्थापक संस्कृत के विद्वान राम भद्राचार्य। ज्ञानपीठ के लिए इन दोनों के नाम का ऐलान करते हुए ज्ञानपीठ चयन समिति ने एक बयान में कहा है कि यह पुरस्कार 2023 के लिए दो भाषाओं के प्रतिष्ठित लेखकों को देने का निर्णय लिया गया है, संस्कृत साहित्यकार जगतगुरु राम भद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार गुलजार। गुलजार वर्तमान समय के बेहतरीन उर्दू कवियों में शुमार है। इससे पहले उन्हें उर्दू में अपने काम के लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2004 में पद्म भूषण, 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और फिल्मों में अलग अलग कामों के लिए 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं। दूसरी ओर चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख राम भद्राचार्य शिक्षक और संस्कृत भाषा के विद्वान हैं। जन्म के कुछ महीनों बाद ही इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। राम भद्राचार्य ने 100 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, 22 भाषाओं के जानकार बताए जाते हैं। भारत सरकार 2015 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित कर चुकी है।